और 302 का मुकदमा था सेशन ट्रायल 402/18 में। उस समय भाजपा नेता पर हत्या हुई, 302, 307 और 27 में दोषी पाया गया। जैसा कि सबको खबर है कि बिहार भाजपा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की हत्या हुई और हत्या के बाद लगातार कार्रवाइयां न्यायालय में लंबित रही, ससमय सब कुछ चलते रहा और आज उसकी फैसला आने वाली थी। फैसले के समय उनके समर्थक कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे, फैसले का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं माणिक कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि ब्रजेश मिश्रा सहित और कुछ लोग हैं जिन पे सजा ने अपना फैसला सुनाया, न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। और जो फैसले की जो जजमेंट आती है उसको अपने पास सुरक्षित रख लिया, जो अगले तिथि को निर्धारित की जाएगी और उसी डेट को बताई जाएगी। आइए पूरी प्रक्रिया भी दिखाते हैं और जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या कहा, कौन सी धारा लगाई गई, कौन कौन लोगों को क्या सजा मिली और इसका जो फैसला आएगा वो उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उनको। आज दिनांक 9/4/23 को विशेश्वर ओझा जो भाजपा के नामी गामी नेता थे, इनकी हत्या 12/2/16 को हुई, जिसके आधार पर शाहपुर कांड संख्या 48/16 बना और 302 का मुकदमा था। ट्रायल के दौरान दो सेशन ट्रायल चले, एक सेशन ट्रायल 390/16, एक 402/18। सेशन ट्रायल 402/18 में जो बाद में चार्जशीट आई थी वह ब्रजेश मिश्रा को 302, 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया और 390/16 में हरेश मिश्रा को 302, 307 और 27 आर्म्स में दोषी पाया गया। इस कांड के कई अभियुक्त थे, इस कांड के अन्य अभियुक्त उमाकांत टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, पप्पू सिंह और हरिंदर सिंह को 307 IPC और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया और कुंदन यादव, संतोष चौधरी, विनोद ठाकुर, मदन ठाकुर, भृगुनाथ मिश्रा और बबलू मिश्रा को इसमें कांड से बरी किया गया। यह कांड जो था उस समय भाजपा नेता पर हत्या हुई, जिस समय बारात से एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारात से लौट करके सोनबरसा बाजार में सफारी गाड़ी पर बैठ रहे थे, उसी समय अभियुक्तगणों ने अंधाधुंध अपने कार्रवाई और से फायर किया, जिसमें कि उनके ड्राइवर राकेश ओझा और इनको गोली लगी और सभी अभियुक्त अन्य सभी जो लोग बैठे थे जो गवाह आंखों देखी बने उन लोगों ने गवाही दिया। राजनाथ ओझा सूचक के बयान के आधार पर शाहपुर थाना कांड संख्या अंकित किया गया। इनको इलाज के दौरान शाहपुर अस्पताल ले जाया गया जहाँ की विशेश्वर ओझा को मृत घोषित किया। सजा का फैसला न्यायालय के द्वारा तुरंत डेट निर्धारित होगा, सेंटेंस पॉइंट पर हियरिंग होगा। मेरा यही जो भी आर्गू होगा, चूंकि 302 में दोषी पाया गया है उसके एक्सपेक्ट में या तो आजीवन कारावास या अरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जो भी होगा सेंटेंस पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन से हियरिंग के बाद। मैं माणिक कुमार सिंह, यहां जिला अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक सिलेक्शन ग्रेड हूं और इस कांड के जो मुख्य आवाज थे, गवाह थे, कमल किशोर मिश्रा, उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ से उस कांड का मैंने ही अभियोजन का संचालन किया था, वो भी पिछले महीना ही, उसमें भी सजा हुई थी। इसमें अभियुक्त थे ब्रजेश मिश्रा और भी थे, 4-5 अभियुक्त थे, लेकिन एक ब्रजेश मिश्रा भी थे। भोजपुर से विष्णुदेव उपाध्याय, सहयोगी मिथिलेश सिंह के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।